हम लोग गणितीय आगमन का सिद्धांत चैप्टर फोर्थ का फोर्थ क्वेश्चन प्रूव करने जा रहे हैं, जिसमें जो है ये है कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से फॉर ऑल एन बिलोंग टू कैपिटल एन यानी प्राकृतिक संख्याओं के लिए आपको प्रूव करना है 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस डॉट डॉट एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 इक्वल टू दिस, ये हमको प्रूव करना है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत में हम लोग सबसे पहले जो प्रूव करना होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, पी के सॉरी पी एन, पी एन हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा स्टेटमेंट जो दिया है ये हमारा क्या है, पी एन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना पी एन ये हमारा जो गिवन है 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस डॉट डॉट एन एन प्लस 1 एन प्लस 2, ये हमारा क्या है, पी एन है। प्लस 2 एन प्लस 3 बाई 4। अच्छा अब हमको क्या करना है, हमको एन बराबर 1 के लिए इसको ट्रू जो है देखना है, चेक करना है कि एन बराबर 1 के लिए ये ट्रू है कि नहीं है। तो एन बराबर 1 के लिए यानी हमारा एन बराबर 1 के लिए जब ये हमारा क्या हो जाएगा, पी 1, यानी जब पी 1 हमारा होगा तो ये इसमें n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2, ये तो हमारा ये पार्ट होगा। इस पार्ट की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 1 रखें, 1 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 बाई 4। अब हम लोग देखते हैं पी 1 ये ट्रू है कि नहीं है, यानी दोनों वैल्यूज हमारी जो बराबर हैं कि नहीं है। तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी जो पी 1 की लेफ्ट हैंड साइड की, 1 इंटू 2 इंटू 3 ये 6 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 और 4 4 कैंसिल हो गया तो 2 इंटू 3 6, तो 6 इक्वल टू 6 आ गया। यानी हम लोग क्या कहेंगे कि n बराबर 1 के लिए हमारा n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। तो n बराबर 1 के लिए ये हमारा क्या हो गया, चेक हो गया पहले। अब दूसरा स्टेप क्या होता है गणितीय आगमन के सिद्धांत में जो है प्रूव करने के लिए हमारा, कि दूसरा स्टेप हम लोग मानते हैं कि n बराबर k जो है कोई प्राकृतिक संख्या है जिसके लिए हमारा n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है। तो दूसरा स्टेप हम लोग क्या कहेंगे कि माना लो लिखेंगे, माना n बराबर k के लिए सत्य है, और उसकी हेल्प से हमको क्या प्रूव करना रहेगा कि n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। तो n बराबर k के लिए अगर सत्य है, यानी पी के हमारा n की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, k, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस, अब यहाँ पे n की जगह पे हम लोग k रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा k इंटू के प्लस 1 के प्लस 2, दिस इक्वल टू हमारा क्या होगा, k इंटू के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 बाई 4। अब ये हमारा क्या हो गया, k k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बाई 4, n बराबर k के लिए सत्य है। तो इसको हम लोग जो है इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 1 मान के चलते हैं। अब इसकी हेल्प से हमको क्या सिद्ध करना है कि n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। अब तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं, अब हमें n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करना है। तो अगर n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध हो गया तो सबके लिए सत्य होगा, अर्थात हमारा क्या सिद्ध करना है, पी के प्लस 1। तो पी के प्लस 1 जो हमको सिद्ध करना है ये हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं अभी कि ये हमको क्या लाना है। तो पी के प्लस 1 हमारा क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे k प्लस 1 रखेंगे, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट प्लस n। अच्छा हमको k प्लस 1 रखना है तो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1, तो पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, k प्लस 1। यहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे तो हमारा अगला टर्म हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 यानी k प्लस 2।
फिर यहाँ के प्लस वन रखेंगे तो अगला टर्म हमारा हो जाएगा के प्लस थ्री, दिस इक्वल टू, और यहाँ एन की वैल्यू हम लोग के प्लस वन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा के प्लस वन पहला, दूसरा हो जाएगा के प्लस टू, और तीसरा हो गया के प्लस थ्री और के प्लस फोर बाई फोर। ये हमको क्या करना है, ये हमको प्रूव करना है, यानी वन टू थ्री प्लस टू थ्री फोर प्लस के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री दिस इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग एन की जगह पे के प्लस वन रखेंगे तो पहला टर्म हो जाएगा के प्लस वन, यहाँ पे के प्लस वन प्लस वन है तो ये के प्लस टू हो गया, और यहाँ पे एन की जगह पे के प्लस वन तो के प्लस वन प्लस टू तो के प्लस थ्री हो गया, अगला हमारा के प्लस फोर हो जाएगा बाई फोर। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। और इक्वेशन वन हम लोगों के पास है, अब हम लोग जो है के प्लस वन के लिए प्रूव करने के लिए देखिए क्या करते हैं, अच्छा हम लोगों का जो पी के है, पी के यानी वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री प्लस डॉट डॉट के के प्लस वन के प्लस टू, ये हमारा जो इक्वेशन वन जो हम लोगों ने देखा था, इक्वेशन वन का हम लोग यूज करेंगे, इक्वेशन वन ये पी के 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 प्लस वन के प्लस टू इक्वल टू के इंटू के प्लस वन से लेके के प्लस थ्री बाई फोर, तो दिस इक्वल टू हमारा क्या है के के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री बाई फोर, इसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब हमको लाना क्या है, हमको पी के प्लस वन लाना है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सत्य है। अब पी के और पी के प्लस वन में देखिए क्या अंतर है, इसमें केवल एक टर्म पी के और पी के प्लस वन में केवल लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म ये क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री जो है दोनों साइड में जोड़ देते हैं, तो ये हमारा जो पी के है इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में इसमें लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री जोड़ने पे, तो अगर पहले बराबर था तो समान संख्या जोड़ने पे दोनों साइड में तब भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस ये हमारा के के प्लस वन के प्लस टू तो पहले से था, और इसमें हम लोग एक्स्ट्रा एक टर्म जोड़ दिए, हमारा क्या है के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री, और राइट साइड में भी हम जोड़ेंगे तो के इंटू के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री बाई फोर, ये ऑलरेडी हमारा पहले सा था और हम लोगों ने क्या जोड़ा है के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री। अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को तो हम लोग यही रहने देते हैं वन टू थ्री प्लस टू थ्री फोर प्लस डॉट डॉट, ये कहाँ तक गया है के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री, दिस इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं इसमें जो है चार से गुणा चार से भाग कर देते हैं, तो हर बराबर हो गया तो हम लोग जो है जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा के के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री प्लस के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री, ठीक है, इंटू फोर, और पूरे का बटा हमारा क्या हो गया चार, तो ये लेफ्ट वाला पार्ट हमारा तो यही रहेगा वन टू थ्री प्लस टू थ्री फोर के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री, और राइट साइड को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री दोनों टर्म से कॉमन है, तो यहाँ से देखिए ये के प्लस वन के प्लस टू यहाँ भी है के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री यहाँ पे भी है, तो पूरे से बाहर आ जाएगा दोनों से, तो के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री हम लोग जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा के और प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा केवल फोर, और पूरे का बटा हमारा क्या हो गया फोर, तो दिस इक्वल टू हमारा जो के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री के प्लस फोर बाई फोर, ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया, और यही तो हम लोगों को पता है कि ये हमारा क्या है पी के प्लस वन है, के प्लस वन के प्लस टू के प्लस
क्योंकि हमारा पी के प्लस वन जो हमको लाना था वो हमारा क्या है, पी के प्लस वन हमारा 1, 2, 3 और कहाँ तक जाए, के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री इक्वल टू के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री, के प्लस फोर बाई फोर। ये अगर आ जाए तो हम लोग कहेंगे पी के प्लस वन सत्य है। तो ये हम लोगों को मिल गया। तो अतः हम लोग क्या कहेंगे कि पी के प्लस वन, अतः हम लोग क्या कहेंगे कि पी के प्लस वन सत्य है। अगर पी के प्लस वन सत्य हो जाता है तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, अर्थात ऑल एन बिलोंग टू एन के लिए, के लिए दिया गया कथन या फार्मूला जो है हमारा क्या है, सत्य है। तो एक ही प्रोसीजर फॉलो करना होता है हमको ये प्रूविंग में, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं होता। अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है। पांचवें क्वेश्चन में हमको जो है गणितीय आगमन सिद्धांत से हमको जो प्रूव करना है, एन बिलोंग टू एन यानी सभी प्राकृत संख्या के लिए, एन बिलोंग टू कैपिटल एन यानी सभी प्राकृत संख्या के लिए हमको क्या प्रूव करना है उसको लिख देते हैं। 1 × 3 प्लस 2 × 3 स्क्वायर प्लस 3 × 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट n × 3 की पावर n, दिस इक्वल टू 2n − 1 × 3 की पावर n + 1 × 3 की पावर n + 1 प्लस 3/4। ये हमको क्या करना है, गणितीय आगमन सिद्धांत से ये हमको सिद्ध करना है। तो जो दिया गया स्टेटमेंट है जो है हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि ये हमारा क्या है, पी के, ये हमारा क्या हो गया पी के, यानी हमारा ये क्या है 1 × 3 + 2 × 3² प्लस 3 × 3³ और लास्ट वाला टर्म क्या है n × 3 की पावर n। दिस इक्वल टू हमको क्या प्रूव करना है, 2n − 1 × 3 की पावर n + 1 प्लस 3/4। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, n = 1 के लिए P1 हम लोग देखेंगे कि सत्य है कि नहीं। n = 1 के लिए तो इसमें हम लोग n = 1 रखेंगे तो 1 × 3 की पावर 1 यानी हम लोगों को यही मिलेगा। तो P1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 × 3। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड क्या होगा, यहाँ पे n = 1 रखें तो 2 × 1 − 1 × 3 की पावर 1 + 1 प्लस 3/4। तो P1 का हम लोग देखेंगे कि n = 1 के लिए 1 × 3 ये 3 हो गया और 2 − 1 1 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और प्लस 3। इसको अगर हम लोग और सॉल्व करें तो दिस इक्वल टू 1 × 3 की पावर 2 प्लस 3/4। तो 3 × 9 = 12 ये क्या आ गया, 3। तो 3 = 3 यानी n = 1 के लिए हमारा क्या है, सत्य है। n = 1 के लिए जो दिया गया फार्मूला है ये आपका फॉलो करता है यानी ये सत्य है। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग मानेंगे कि n = k के लिए सत्य है। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, माना n = k के लिए सत्य है, n = k के लिए सत्य है यानी, सॉरी ये हम लोग ये पी के नहीं, इसको पी एन बोलते हैं, पी एन क्योंकि यहाँ पे n है। तो पी के हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे हमारा n की जगह पे k हो जाएगा। तो 1 + 3 × 2 × 3² प्लस डॉट डॉट प्लस k × 3 की पावर k, जहां जहां n है यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे k, तो k × 3 की पावर k और राइट हैंड साइड हो जाएगा 2 k − 1 × 3 की पावर k + 1 प्लस 3/4। अब p k इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमें सिद्ध करना है n = k + 1 के लिए सत्य है। तो इसमें एक लाइन हम लोग लिखेंगे कि अब हमें
सिद्ध करना है कि पी के प्लस वन सत्य है, और पी के प्लस वन का मतलब क्या है कि एन की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, के प्लस वन। तो पी के प्लस वन जो सत्य हमको जो सिद्ध करना है, ये हमको सिद्ध करना है वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एन इंटू, सॉरी यहाँ पे एन की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, के प्लस वन। तो ये हमारा हो जाएगा के प्लस वन इंटू थ्री के पावर के प्लस वन। और राइट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड यहाँ पे हम लोग एन की जगह पे क्या रख देंगे, एन की जगह पे हम लोग रखेंगे के प्लस वन। तो टू इंटू के प्लस वन माइनस वन, ये हमारा हो गया इंटू थ्री के पावर, इंटू थ्री के पावर एन की जगह पे के प्लस वन। तो के प्लस वन और प्लस वन पहले से था, प्लस थ्री बाई फोर। और इसको अगर हम लोग और थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टू के प्लस टू माइनस वन, यानी टू के प्लस वन इंटू थ्री के पावर के प्लस टू प्लस थ्री बाई फोर। यानी पी के प्लस वन जो हमको लाना है, यानी वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री स्क्वायर प्लस लास्ट वाला टर्म हो गया के प्लस वन टू थ्री के पावर के प्लस वन इक्वल टू दिस। ये हमको क्या करना है, यह ये लाना है। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, पी के हमारा तो सत्य है और पी के हम लोग लेके चलते हैं कि दिस इक्वल टू दिस, ये हमारा सत्य मान ये लेके चलते हैं। और पी के और पी के प्लस वन में हमारा क्या है, ये वाला टर्म केवल एक ही टर्म, तो पी के प्लस वन में लास्ट वाला ज्यादा होगा, तो यही टर्म हम लोग दोनों पक्षों में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पी के समीकरण एक से हम लोग लिखेंगे, समीकरण एक के प्रयोग से तो समीकरण एक हमारा क्या है, पी के समीकरण एक हमारा है पी के वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री स्क्वायर, वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री स्क्वायर प्लस लास्ट वाला टर्म हमारा क्या होगा, एन के जगह पे के, तो के इंटू थ्री के पावर के, दिस इक्वल टू टू के माइनस वन इंटू थ्री के पावर के प्लस वन, टू के माइनस वन इंटू थ्री के पावर के प्लस वन प्लस थ्री बाई फोर। अब हम लोग जो पी के प्लस वन लाना है उसमें क्या करेंगे, ये वाला टर्म के प्लस वन इंटू थ्री के पावर के प्लस वन दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, क्योंकि हमको फाइनली क्या लाना है, पी के प्लस वन। तो दोनों पक्षों में हम लोग लिखेंगे, दोनों पक्षों में क्या जोड़ेंगे, जो पी के प्लस वन का लास्ट वाला टर्म है, पी के प्लस वन का लास्ट वाला टर्म हमारा क्या है, के प्लस वन इंटू थ्री के पावर के प्लस वन। क्योंकि पी के प्लस वन और पी के में हमारा क्या होगा, केवल ये वाला टर्म फालतू रहेगा, तो यही के प्लस वन इंटू थ्री के पावर के प्लस वन जोड़ने पर दोनों पक्षों में के प्लस वन इंटू थ्री के पावर के प्लस वन जोड़ने पर ये हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री स्क्वायर प्लस के इंटू थ्री के पावर के प्लस, यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो ये के प्लस वन इंटू थ्री के पावर के प्लस वन, और राइट साइड में जोड़ेंगे तो टू के माइनस वन थ्री के पावर के प्लस वन प्लस थ्री बाई फोर तो है, और हम लोग ऐड क्या कर रहे हैं दोनों साइड, के प्लस वन इंटू थ्री के पावर के प्लस वन। अब हम लोग क्या कहते हैं, इसमें चार से गुणा, चार से भाग करके क्या कर लेते हैं, हर बराबर कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये कहाँ जाएगा, लास्ट वाला टर्म के प्लस वन इंटू थ्री के पावर के प्लस वन। अब हर बराबर है तो हम लोग अंश को जोड़ लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टू के माइनस वन इंटू थ्री के पावर के प्लस वन प्लस थ्री प्लस के प्लस वन इंटू थ्री के पावर के प्लस वन इंटू फोर बाई फोर।
अब हमको लाना क्या है, पी के प्लस वन हमको लाना है, क्योंकि जो लाना रहता है वो हम लोग ध्यान में लेके चलते हैं। तो पी के प्लस वन हम लोगों का क्या है यहाँ पे कि हमारा क्या है, 2k+1 (3k)(k+2+3) इस टाइप का हमको लाना है। तो अब राइट साइड में हम लोग थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं इसमें, हमको लाना है यहाँ पे 2k+1 (3k)(2k+1 (3k)(k+2+3/4। तो ये हम लोग कहीं साइड में लिख लेते हैं, हमको जो लाना है, लाना क्या है हमको 2k+1 (3k)(k+2+3/4, ये हम लोग को लाना है, तभी ये हमारा पी के प्लस वन बन पाएगा। तो अब इसमें केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस फोर को हम लोग लिख देते हैं 3+1, तो ये हमारा हो जाएगा 2k-1 (3k)(k+1+3)+k+1 (3k)(k+1), और इस फोर को हम लोगों ने क्या लिख दिया, 3+1, और पूरे के अपान 4 है। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा टर्म इसमें, तो ये 2k-1 (3k)(k+1+3)+, अब ये मल्टीप्लाई हो गया हमारा, तो ये (k+1)(3k)(k+1)(3), और प्लस हमारा ये पूरा टर्म (k+1)(3k)(k+1) और पूरे के बटा 4। अब हमारा ये हो गया 2k-1 (3k)(k+1)+3, अब 3k+k+1 (3k)(1), तो (k+1)(3k)(ये हमारा क्या हो जाएगा, (k+2)+(k+1)(3k)(k+1) और पूरे के बटा 4। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये इन दोनों टर्म को जो है इकट्ठा कर लेते हैं, 2k-1 (3k)(k+1) कॉमन कर लेंगे यहां से, और यहां से हम लोग 3k+1 कॉमन करेंगे, तो यहां बचेगा (k+1) और पूरे के बाहर हमारा चला जाएगा (3k+k+1)। इन दोनों टर्म को देखिए, यहां 3k+k+1 मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी 3k+k+1, तो दोनों से कॉमन लेंगे, तो 2k-1 (+k+1)(3k)(k+1)+3 प्लस ये हमारा बचेगा (k+1)(3k)(k+2/4)। ये हमारा क्या हो गया, -1 + 1 हो गया, और 2k और k मिलके क्या हो गया, 3k (3k)(3k)(k+1) यानी चलिए लिख लेते हैं 3k(3k)(k+1)+3+(k+1)(3k)(k+2/4)। ये 3 हमारा क्या हो जाएगा, 3 (3k)(k+1), ये हमारा हो जाएगा 3k+2(k+3)+(k+1)(3k)(k+2) पूरे के बटा 4। अब हम लोग इस टर्म से और इस टर्म से 3k+2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, k, और यहाँ क्या बचेगा, (k+1), और प्लस हमारा क्या बचेगा, केवल 3 पूरे के बटा 4। दिस इक्वल टू हमारा k, ये हमारा क्या हो गया, 2k+1 यानी 3k+2(2k+1)+3/4। तो यही हमारा क्या है, यही तो हमारा पी के प्लस वन है। ये देखिए 2k+1
इंटू थ्री के पावर टू के के प्लस टू प्लस थ्री बाई फोर, तो ये हमारा क्या आ गया, यानी वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट के प्लस वन इंटू थ्री के पावर के प्लस वन, दिस इक्वल टू हमारा ये आ गया जो हमको लाना है। यानी हम लोग क्या कहेंगे कि एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है, तो एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है अर्थात जो है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि एन बिलोंग टू एन, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए जो हमारा दिया गया कथन है ये क्या है, सत्य है। ये बार बार हम लोग यही तो लिखते हैं कि जब एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य हो जाता है, तो सिंपल सा था इसमें हम लोगों ने जो पी के, जो हम लोगों ने लिखा था पी के सत्य है जो माना था उसी का यूज किया था, और पी के प्लस वन में जो लास्ट वाला टर्म था वही हम लोग क्या कर दिए थे, जोड़ दिए थे, क्योंकि हमको फाइनली पी के प्लस वन ही बनाना था। तो ये जो टर्म था पी के प्लस वन में, यही हम लोग क्या किए, पी के दाएं और बाएं पक्षों में जोड़ दिया, तो यहाँ से जोड़ दिया। उसके बाद इसमें हम लोग ने क्या, चार से गुणा चार से भाग करके इसको जोड़ लिया, फिर इस चार को हमने क्या कर दिया, थ्री प्लस वन, और इसके बाहर जो मल्टीप्लाई था इसको मल्टीप्लाई करके रीअरेंजमेंट कर लिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमारा कंप्लीट हो गया।